आज माध्यमिक एग्जामिनेशन का दूसरा दिन है और एग्जाम के वक्त बच्चों के पेरेंट्स भी बच्चों के साथ स्कूल आ रहे हैं और अपने बच्चों को हौसला दे रहे हैं। आज किस तरह से छात्राओं ने अपना एग्जाम दिया और क्या कुछ कहना है उन छात्राओं का और उनके पेरेंट्स का, आइए देखते हैं। इसके बाद आज एग्जाम देने का मौका मिला, कैसा लग रहा? प्रिपरेशन तो थोड़ा लेट हुआ था बट ठीक ठाक ही था। PDF देके हम लोगों को बताया गया था कि परीक्षा नहीं होगा, परीक्षा मतलब हटात करके परीक्षा फेंक दिया तो हम लोगों का थोड़ा तो प्रॉब्लम हुआ बट ठीक ठाक ही गया। एग्ज़ाम की तैयारी सच बोलूँ तो मैं दिसंबर के बाद से एग्ज़ाम की तैयारी शुरू किया था, जनवरी से, तब से मैं पढ़ रहा हूँ। 3 महीने में मेरा पूरा सिलेबस कम्प्लीट हो गया। अच्छा लग रहा है, एग्ज़ाम 2 साल के बाद हो रहा है तो इसमें क्या, बस इतना ही कहूँगा कि अच्छा बहुत लग रहा है। 2 साल के बाद एग्ज़ाम हो रहा है, पढ़ाई लिखाई करने का फिर मौका मिला है, इसलिए ममता बनर्जी को धन्यवाद। अच्छा, ऑनलाइन जब क्लास होता था तो वो मज़ा नहीं आता है जिस क्लास में बैठ के पढ़ाई? नहीं, वो ऑनलाइन का मज़ा नहीं आता है बट आता है थोड़ा सा, मगर क्लास में बैठ के जो मज़ा है ऑनलाइन में नहीं, वो मज़ा ऑनलाइन में नहीं है। हमारा स्कूल खुल गया और हमारा टेस्ट भी हो गया, इसलिए हम लोग मतलब हमारा कैपेसिटी पता चल गया कितना एग्ज़ाम का हमारा प्रिपेयर है और इंग्लिश एग्ज़ाम अच्छा ही गया हम लोगों का। और दीदी का बहुत ही थैंक यू कि हम लोग के लिए स्कूल खोल दिया इस बार, और अगले एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी अच्छा है, अगला एग्ज़ाम भी अच्छा ही जाएगा। और आज एग्ज़ाम देकर आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है एग्ज़ाम देकर आज। ऑनलाइन क्लासेस में वो मज़ा नहीं आता था? हाँ, फ्रेंड के साथ एकदम बात नहीं हो पाता था, इसलिए हम लोग को बहुत ही अच्छा नहीं लगता था एकदम। आज खुल गया स्कूल, एग्ज़ाम भी दे दिया, अच्छा लगा, फ्रेंड्स के साथ बातचीत भी कर लिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी आए हुए हैं, तो आपके पेरेंट्स भी आए? हाँ, आप हमारे पेरेंट्स भी आए हैं। मम्मी पापा कितना सपोर्ट कर रहे हैं एग्ज़ाम में? मम्मी पापा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं एग्ज़ाम में हम लोग का। और बच्चे में जो एग्ज़ाम है उसमें आपकी तैयारी कैसी है? अच्छी है। कल जियोग्राफी एग्ज़ाम है, आज घर जाके और भी अच्छे से तैयारी करूँगा कि कल और अच्छा। प्रिपरेशन करने में क्या थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था जब स्कूल नहीं खुला था? नहीं, हाँ, स्कूल जब बंद था तब थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, तब सिलेबस नहीं मालूम था, कैसे पढ़ेंगे वह नहीं मालूम था, लेकिन उसके बाद जब स्कूल खुल गया उससे पहले हमको ग्रुप में एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन के लिए सजेशंस मिल गए थे, इसलिए हमको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ लेकिन सब ठीक चल गया हम लोग का। आज स्कूल खुला, बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई मुझे, इतना 2 साल के बाद मुझे स्कूल खुला तो हम लोग अच्छे परीक्षा देने आया, अच्छे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फ्रेंड्स के साथ मिलने का मौका मिला? हाँ, होता तो फ्रेंड्स के साथ कैसे? हाँ, मस्ती तो नहीं हो रही पर एग्ज़ाम के टाइम बाद में तो होता है थोड़ा सा, लेकिन फ्रेंड्स के साथ एग्ज़ाम देने में एक अलग मज़ा आता है। हाँ, वो तो एक है यार। अच्छा, जो बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने ये स्कूल खोलने का फैसला किया तो एग्ज़ाम दे पा रहे हैं, उनको क्या कहना चाहिए? हाँ, मैं उसको बहुत ही अच्छा थैंक यू बोलना चाहूँगा, पर 2 साल के बाद जो खोला है मैंने तो इसलिए उनको थैंक यू। अच्छा, और आने वाले एग्जाम्स की तैयारी? आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी तो अच्छी है, होप गेट। খুব ভালোই লাগছে আমাদের ছেলেরা পরীক্ষা দিতে পারছে, গত বছর পরীক্ষা হয়নি, 2 বছর পর স্কুল খোলার পর আমাদের ছেলেরাও খুশি, পরীক্ষাটা দিচ্ছে, খুব ভালো হচ্ছে পরীক্ষা, এখনও পর্যন্ত ভালো হয়েছে, আজকে ইংলিশ এখনও বেরোয়নি বলতে পারবো না, খুব ভালোই লাগছে, খুব ভালোই হয়েছে। মানে প্রাইভেট টিউশন দিয়েছি সেখানেই ভালো হয়েছে, স্কুল তো আর করতে পারিনি সেভাবে, মাস্টারটাই যতটা করিয়েছে খুব ভালোই হয়েছে। হ্যাঁ, সেটা তো হবেই, কেন স্কুলে ক্লাসটা করলে যতটা ভালো হয়, অনলাইনে তো সেভাবে হয়নি, তা সেইভাবে পড়াশোনা বলতে অনলাইনে সেভাবে হয়নি, ক্লাসটা যা হয়েছে প্রাইভেটেই হয়েছে, কখনোই না, কখনো না, স্কুল যেরকম হচ্ছে সেরকম হলেই ভালো, বাচ্চারা স্কুলে যাচ্ছে, ক্লাসটা হচ্ছে, সব বন্ধুদের সঙ্গে মিট হচ্ছে, স্যারদের সঙ্গে অসুবিধাটা হলে শেয়ার করতে পারছে, এটা অনলাইনে হয় না, স্কুলটা যেন খোলা থাকে আমরা চাই এটা। 2 বছর পরে স্কুল খুলছে, কিছু তো প্রবলেম থাকবেই, তবুও যদি স্কুলটা রেগুলারলি হয় তাহলে ওরা অনেকটাই কভার করতে পারে, স্যারেরা তো হেল্প করেই, অবশ্যই করবেও, বাড়িতে যেটুকুনি শিখেছে তার সঙ্গে স্কুলটা যদি ভালোভাবে চলে তাহলে অনেকটাই কভার করতে পারবে আশা করছি। 2 বছরের গ্যাপ তো আর পূরণ হবে না কিন্তু কিছুটা হবে। তবে এবছরটা একটু বেশি কষ্ট হলো, কারণ আমাদের এই বছরে যেহেতু মাধ্যমিক পড়ে গেছে আমাদের একটু বেশি সমস্যা হলো ছেলেদেরকে নিয়ে, এই যে ক্লাসটা করতে পারেনি, পরে নেক্সট জীবনে যারা আছে, হ্যাঁ, পরীক্ষাটা হয়েছে এটা সব থেকে বড় কথা, গত বছর যে পরীক্ষাটা হয়নি তার জন্য এবছর যে পরীক্ষাটা হয়েছে খুব ভালো হয়েছে, কাজ ওদের ভালোভাবে মূল্যায়নটা হলো, পরের সময় তো যেটা এ করতে পারবে যে 11-12 গেলে, হ্যাঁ 11-12 গেলেও যে এই পরীক্ষাটার জন্য ভালো হলো, রেজাল্টটা দেখে জাজ করা যাবে কী রকম, তাই না, সেই জন্য পরীক্ষার জন্য আমরা সবাই খুব খুশি যে পরীক্ষাটা ভালোভাবে হয়েছে।
और स्कूल जब नहीं खुला हुआ था तो बच्चों पे एक मेंटली प्रेशर भी आ रहा था कि वो स्कूल का माहौल नहीं मिल पा रहा था, जो स्कूल में एक एटमोसफेयर मिलता है। तो ये स्कूल खुलने के बाद जो बच्चों को फिर से क्लास रूम में बैठ के पढ़ने का ये सब जो सौभाग्य हासिल हुआ है, तो इससे कितना इफेक्ट पड़ता है बच्चों का? हाँ, ये तो इफेक्ट होगी ওদের উপর, এটা তো ইফেক্ট হবেই। আননে এতদিন স্কুলে ঘরে বন্দী ছিল, স্কুলের যে বাতাবরণ সেটা তো ওরা পায়নি না। স্কুলের যে শিক্ষা, ঘরের মাস্টাররা হয়তো শিখিয়েছেন বইয়ের শিখিয়েছে বইয়ে যা আছে, কিন্তু স্কুলের বাতাবরণে একটা বাচ্চার বেড়ে ওঠা অন্যরকম। আচ্ছা দিদি, যে ইয়ে ফয়সলা নিয়ে স্কুল খুললে কা, দিদি কো কিছু বলনা চাইবেন? দিদিকে তো বলতেই হবে ধন্যবাদ, কারণ এতটা স্কুলটা খোলাটাও তো একটা বিরাট ব্যাপার। সিদ্ধান্ত তো ওরা নেওয়া, আমরা তো বলে দিই খুলুন, কিন্তু সিদ্ধান্তটা নেওয়া তো অত সহজ নয়, কেন এতগুলো বাচ্চার জীবন নির্ভর করে। অনেকেই বলে দিই আমরা যে কি খুলছে না কেন, একটা চিন্তা করাও তো একটা ব্যাপার আছে। দিদি আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ, দিদি আমাদের এই এত বাচ্চাদের কথা ভেবে যে সিদ্ধান্তটা নিয়েছে, দিদির কাছে আমরা খুবই কৃতজ্ঞ, খুব ভালো করেছে।